solution containing 1.8 gram of a compound, empirical formula CH2O, in 40 gram of water is observed to freeze at -0.465°C. The molecular formula of the compound is. तो हमें एक सॉल्यूशन दिया है जिसमें आपका 1.8 ग्राम ऑफ एन अननोन कंपाउंड है एंड 40 ग्राम ऑफ आपका वाटर है जो कि फ्रीज हो रहा है एट -0.465°C. हमें यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड निकालना है एंड केएफ ऑफ वाटर भी आपको दिया गया हुआ है. यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेल्टा टीएफ निकाल लेंगे. ये आपका आ जाएगा 0 माइनस -0.465 दैट इज इक्वल टू 0.465°C. नेक्स्ट हम जानते हैं कि डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू एम. वैल्यूज पुट कर लेंगे. डेल्टा टीएफ की आपकी आ गई 0.465, केएफ की आपके फॉर वाटर आ जाएगी 1.86 इंटू हम यहाँ आपका एम को लिख लेंगे 1.8 by m, जो मोलर मास है हमें नहीं पता. नीचे हम लोग लिख लेंगे 40 ग्राम ऑफ वाटर क्योंकि यहाँ 40 ग्राम है इंटू 1000 इंटू 1000 दैट इज आप इसे ऐसे बोल सकते 1.8 by 1000. इससे अब हम m कैलकुलेट कर लेंगे. इससे जो आपका एम की वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 180. नाउ हमें जो एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया गया था वो है आपका CH2O एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला मास जो है वो आपका आ जाएगा 30. नाउ अब हम क्या करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से आखिर आप जो आपका ऑब्जर्व्ड हमने जो मास निकाला है एन को निकालने के लिए हमने जो मास निकाला दैट इज 180 कैलकुलेटेड मास एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला मास जो 30 से डिवाइड कर देंगे तो आपको आ गया 6. इसीलिए आपका जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो आ जाएगा दैट वुड बी इक्वल टू C6H12O6 दैट इज आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी.